के जितने जितने पुण्य प्रखर होते चले जाते हैं, संपूर्ण जन्म के जितने जितने पुण्य प्रखर होते चले जाते हैं, उतना उतना हम शिव के करीब में बढ़ते चले जाते हैं, भगवान शंकर के नजदीक में आते चले जाते हैं। और आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े पुण्यशाली हैं, भगवान शिव की बड़ी कृपा आप पर और हम पर सब पर हुई है, जो इस पवित्र कथा का लाभ आप और हम सब ले रहे हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू बोले, ओंकार तू आयो शरण तिहारि शंभु तार तार तू, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। शिव की आराधना एक सेठ भी कर सकता है और शिव की आराधना एक गरीबड़ा, गरीब से गरीब, साधारण से साधारण व्यक्ति भी कर सकता है। चंदन नहीं है, रोली नहीं है, मोली नहीं है, कपूर नहीं है, बाती नहीं है, अगर नहीं, अभिन नहीं, गुलाल नहीं, कुछ भी नहीं। मान लो आपके पास में कुछ भी नहीं है, घर में एक चुटकी भभूत तो है, राख तो है, वो भी मेरे शंकर स्वीकार कर कर जीव का कल्याण कर दे। एक चुटकी भस्म भी मेरा शिव स्वीकार कर लेता, एक चुटकी भस्म से भी मेरा देवदिद महादेव आपकी मंगल सुख प्रदान कर देता है। जब हम खरगोन में कथा करने गए तो वहाँ एक प्रश्न पूछा था एक बच्चे ने, प्रश्न अच्छा था, प्रश्न भी कह सकते हैं या उसके मन का भाव था, तो उसने वहाँ लिखा था, जिसने खरगोन की कथा सुनी होगी उसके स्मरण में होगा, खरगोन की कथा में उस बच्चे ने लिखा कि मेरे घर से मैं अकेला भगवान शंकर के मंदिर जाता हूँ, मैं अकेला शिवजी की आराधना करता हूँ, मैं अकेला भगवान शंकर की भक्ति करता हूँ, मैं अकेला शिवालय जाकर जल चढ़ाता हूँ, मेरे घर में से कोई भी शिवालय नहीं जाता। आप में से भी कई माताएं ऐसी बैठी होंगी, आप में से भी कई भाई ऐसे बैठे होंगे जिनके घर में से सब लोग मंदिर नहीं जाते होंगे, शिवालय नहीं जाते होंगे, कोई कोई अकेला चले जाते।
Control your mind. Control your game. उस बच्चे ने खरगोन की कथा में लिखा कि मैं अकेला मंदिर जाता हूँ, मैं अकेला शिवालय जाता हूँ, मेरे घर से और कोई भी शिवालय नहीं जाता। अब आप बताओ गुरुजी, क्या करना चाहिए? हमने उस बच्चे से एक ही बात कही थी, शमशान शिखर पर और सिंहासन पर अकेला ही जाया जाता है, कोई दूसरा जाने वाला नहीं होगा। आप शमशान भी कोई पूरा घर या पूरा परिवार या पूरा कुटुंब नहीं चले जाता, जो मरा जो अंतिम श्वास लिया वो शमशान गया। शिखर की सीढ़ी पर, बहुत उन्नति पर, बहुत आगे, दस बीस हजार लोग अरबपति खरबपति नहीं बन जाते, अरबों खरबों में कोई एक ही खेलता है, कोई आगे बढ़ जाता है। सिंहासन चाहे प्रधानमंत्री की सीट हो, विधायक की सीट हो, मुख्यमंत्री की सीट हो, चाहे अध्यक्ष की सीट हो, चाहे कलेक्टर की सीट हो, चाहे कोई भी सीट हो, सिंहासन एक होता है और उस पर एक व्यक्ति बैठता। उपमंत्री हो सकते हैं, उप कलेक्टर हो सकते हैं, पर कलेक्टर एक ही होगा, विधायक एक, प्रधानमंत्री एक, मुख्यमंत्री एक, अन्य मुख्यमंत्री उप हो सकते हैं पर एक ही है। मैं मंदिर अकेला जाता हूं, मैं भगवान शंकर पर अकेला जल चढ़ाता हूं, मेरे घर से कोई मंदिर नहीं जाता, कोई जल चढ़ाने नहीं जाता, इसके लिए आप क्या कहेंगे? हमारा उन बच्चों से कहना है कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा पड़ोसी मंदिर जाता है कि नहीं जाता, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे घर के लोग मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते। मेरा बेटियों से निवेदन है, तुम ये कभी मत विचार लाना कि तुम्हारी सहेली शंकर जी के मंदिर जाती है कि नहीं जाती। कई बेटियों से, बेटों से निवेदन है, तुम कभी अपने मन में ये नहीं लाना कि तुम्हारे दोस्त भगवान के मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते। परिवार में रहने वाले व्यक्तियों से निवेदन है, तुम कभी अपने मन में ये मत लाना कि तुम्हारी देवरानी, तुम्हारी जेठानी, तुम्हारी सास, तुम्हारा ननन मंदिर जाती है कि नहीं जाती। तुम अकेले भगवान शंकर के ऐसे भक्त हो जिसको भगवान शिखर तक और सिंहासन तक लेकर जाना चाहता है, शिखर तक भी वो ले जाना चाहता है और सिंहासन तक भी वो ले जाना चाहता है। आप अकेले नहीं जा सकते, आप सामूहिकता में सबके साथ नहीं जा सकते, अकेले जाना, अकेले। तो वो एक लाइन पहले गुनगुनाते थे, शायद आप लोगों ने भी गुनगुनाई होगी, एकला चलो एकला चलो एकला चलो, अकेले। मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई जरूरी नहीं है जिस ट्रेन में आप बैठे हो उस ट्रेन में सभी लोग सीहोर जा रहे होंगे, कोई भोपाल भी जा रहा होगा, कोई इंदौर भी जा रहा होगा, कोई जिसके जहां मर्जी होगी वहां जा रहा होगा, कोई जरूरी नहीं कि सभी सीओर के स्टेशन पर उतर जाएंगे, पर आपकी मंजिल सीओर है, आपकी मंजिल उज्जैन है, आपकी मंजिल बाबा का धाम है, इसलिए आप यहां उतर गए। और उतरने के बाद आपने विचार करा कि मैं अब मेरे को कुबेरेश्वर धाम तक जाना है, कौन मेरे साथ जाएगा, कौन मेरे पास में आएगा, कौन मेरे साथ में जाने वाला है, कौन मुझे कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचाने वाला है, तब उस जगह पर जो तुमने भगवान देवदिद महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया है, तब कोई नहीं आएगा, तब तुम्हारा हाथ पकड़कर महादेव तुम्हें कुबेरेश्वर धाम तक ले जाएगा। बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल। तो तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें अकेले चलना,
प्रयास के साथ, बहुत मेहनत के साथ चले। घर में माता भी है, पिता भी हैं, बहन भी है, भाई भी है, रिश्ते भी हैं, नाते भी हैं, कुटुंब भी है, कबीला भी है, सब कुछ तुम्हारे घर में भगवान भोलेनाथ की कृपा से है, पर चलना और मेहनत अकेले करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं चलेगा तुम्हारे साथ। उसकी मंजिल आएगी, वो चले जाएगा, उसका स्टेशन आएगा, वो उतर जाएगा। एक सदगुरु का जो काम होता है ना, एक गुरु का जो काम होता है, गुरु का सबसे बड़ा काम होता है आपको राह दिखाना, आपको मंजिल तक रास्ता बता देना। पर इतना जरूर याद रखो कि गुरु रास्ता बतला देगा, गुरु राह दिखा देगा, पर गुरु आपके साथ पैदल पैदल चलकर या गाड़ी में बैठकर आपके साथ में मंजिल तक नहीं जाएगा। कई लोग आते हैं कुबेरेश्वर धाम पर, पूछते हैं हमको उज्जैन जाना है महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए। ट्रेन आती है सुबह 10 बजे भी मिलेगी, 11 बजे भी मिलेगी, शाम को भी मिलेगी, रात्रि को भी मिलेगी, आराम से उज्जैन जाओ, बाबा का दर्शन करो। मेरे महाकाल राजा का खूब श्रृंगार का दर्शन, कुछ भस्म का दर्शन, भस्म आरती का दर्शन, मेरे बाबा के सुंदर हरिओम जल का दर्शन खूब प्रेम से करो। फिर कोई काम में लगा हुआ व्यक्ति और उससे कोई कह दे कि साहब मुझे उज्जैन जाना है, क्या मैं उज्जैन जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ उज्जैन चल रहे, तो वो कहेगा देखो हमने मार्ग बता दिया, ट्रेन का समय बता दिया, बस का समय बता दिया, तुम्हें होटल का नाम बता दिया, धर्मशाला का नाम बता दिया, एड्रेस पूरा बता दिया, अब चलना किसको है? साथ वाला जो काम कर रहा है, जिससे तुमने एड्रेस पूछा, जिससे तुमने पूछा स्थान पूछा, वो नहीं जाएगा साथ में, साथ में कोई नहीं जाने वाला, आपको जाना है, आप चले जाओ। Let them keep trying. And you? PayTM karo. आपको जाना है, आप वहां तक चले जाओ। अब गुरु का जो काम है, गुरु एक ही बात कहता है कि तुम्हें शंकर के शिवालय तक जाना है, शिव के मंदिर तक जाना है, एक लोटा जल चढ़ाना है, शंकर का गुणगान गाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, तुम्हें शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, सेवा करना है, चाकरी करना है, ये गुरु बता देगा। गुरु का काम है बताने का, वो बताएगा। अब किसी ने पूछा कि साहब यहाँ से इंदौर हमको जाना है तो कैसे जाएं, तो गुरु ने उसको रास्ता बता दिया, यहाँ से बाहर निकलना, निकल के बस मिलेगी, बस में बैठकर सीधे इंदौर से यहाँ से सीधे चले जाना, और अपनी गाड़ी से आयो तो यहाँ से सीधे, तो हमको भोपाल जाना हो तो कि भोपाल का रास्ता इधर है, तुम ऐसे चले जाना। अब गुरु जी ने तो सीधा सीधा रास्ता बता दिया, अब गुरु जी ने सीधा सीधा रास्ता बताया, पर तुम्हारी आदत इतनी बुरी है ना कि गुरु जी ने जो रास्ता बताया, एक व्यक्ति जो रास्ता बता दिया, उस रास्ते पर चलने के बजाय आप लोग, कई लोग संसार के ऐसे होते हैं कि किसी से रास्ता पूछ लेते हैं। जब निकलते हैं इंदौर से निकले कुबेरेश्वर धाम के लिए तो रास्ता पूछ कर चलते हैं, जब भोपाल से निकले कुबेरेश्वर धाम के लिए तो रास्ता पूछ कर चलते हैं। उसके बाद तुम्हारी आदत, हमारी आदत, सबकी आदत एक जैसी है कि थोड़ी दूर चलने के बाद हम दूसरे व्यक्ति से फिर पूछते हैं कि भैया इंदौर जाना है, इधर से चले जाऊँ क्या? अब उसको जो रास्ता मालूम होगा वो वही रास्ता बताएगा, उसने कहा नहीं नहीं ये रास्ता दूर पड़ेगा, तू इधर से घुसी जा, तो इधर से जा, तो लेफ्ट में उसको मोड़ दिया। अब जा रहा था सीधा, गुरुजी ने कहा था कि सीधा सीधा रास्ता इंदौर का, सीधे चले जाना। उसने उससे पूछा तो उसने क्या करा, इंदौर तो भेज रहा था पर मालूम पड़े आष्टा से मोड़ के खाते गांव भेज दिया।
अब खाते गांव में पहुंच गए तो फिर वहां पर पूछा, क्यों भैया हमको इंदौर जाना है, तो के उसने जो दूसरा मिला था ना उसने भी किया था, कहीं मत पूछना, यहां से सीधे सीधे निकल जा, इंदौर का रास्ता मिल जाएगा, हाईवे मिलेगा, टच हो जाएगा, निकल जाएगा। अब वहां पहुंचा तो वहां जाके पूछ लिया, क्यों भैया हमें इंदौर जाना है, तो उसने कहा नहीं तुम इंदौर जाना था तो वहीं से आष्टा से सीधे क्यों नहीं चले गए, तुम तो गड़बड़ आ गए, तो क्या आ ही गए हो तो एक काम करो, इधर से लेफ्ट मुड़ना, लेफ्ट से फिर राइट मुड़ना, राइट से फिर लेफ्ट मुड़ना, लेफ्ट से फिर राइट मुड़ना, और राइट मुड़ने के बाद एक बड़ा सा रोड आएगा उसे सीधा पकड़ लेना। उसने लेफ्ट गया, राइट गया, राइट गया, लेफ्ट गया, सब कुछ करा और आगे पहुंचा, पहुंचते पहुंचते मालूम पड़े गांव में और पहुंच गया। फिर मां पूछा, क्यों भैया हमें इंदौर जाना है, फिर उसने रास्ता बताया, पूछते पूछते 3 घंटे का इंदौर का रास्ता था, 8 घंटे में इंदौर पहुंचा। कारण यह था कि गुरुजी ने सीधा रास्ता बताया था, उस रास्ते पर नहीं चला, तो दूसरे से रास्ता पूछ पूछ कर तो तुम 8 घंटे में पहुंचोगे। जब सीधा सीधा रास्ता बता दिया गुरुजी ने, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब जब सीधा रास्ता मिल गया तो तुम्हारी आदत इतनी बुरी है ना कि तुम टेढ़ा रास्ता पकड़ते ही हो। फिर दूसरे के पास पहुंच गए, भैया बड़ी दुखी हूं, तो फिर उसने भी कह दिया कि 3-4 बार मेरे पास आना और मैं तेरे को रास्ता बता दूं। रास्ता बताया, फिर वहां से छूटा, फिर आगे किसी से पूछ लिया, मैं बड़ी कष्ट में हूँ कुछ बताओ, तो खेत थारी पत्रिका लेकर आना मैं बताऊं, पत्रिका देखी, ये देखा वो देखा, नगमग सब पिना दिया, तो भी फिर आगे गई, रास्ता क्लियर नहीं हो रहा ना, और जो गुरु बोला सीधा सीधा रास्ता बता दिया, एक रास्ता बता दिया कि कहीं मत जाना, बस केवल लोटा उठाओ शंकर के दरवाजे पहुंच जाओ, तुम्हारा जीवन सार्थक। सीधा रास्ता चलो जब तो, सीधा रास्ता तुम चलो जब तो बात है ना, तुम्हारी तो आदत टेढ़े टेढ़े चलने की है, थोड़े दिन तो सीधा चले, फिर यूं छो जाए, फिर चले, फिर यूं घूम जाए, फिर मन करे कि अब 5 सोमवार अपन ने 5 बार पशुपति व्रत कर लिया, 3 बार अपन ने पशुपति व्रत कर लिया, 2 बार ऐसा कर लिया, 1 बार ऐसा कर लिया, मैं तो 2 महीने से जल चढ़ा रही, मैं 4 महीने से जल चढ़ा रही, बाबा तो मेरी सुन ही नहीं रिया, तो तुमने फिर रास्ता चेंज करा, मालूम पड़े इतना कुआं तो पहले ही खोद लिया था, और थोड़ी खोद लेती, और खोद लेती तो पानी निकल जाता, पर आधा कुआं छोड़ के दूसरा कुआं खोदने बैठ गए। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ, एक पूर्ण विश्वास के साथ जब हम देवाधिदेव महादेव के करीब में जाते हैं, पूर्ण भरोसे के साथ जब हम भगवान शंकर के करीब में जाते हैं, तब हमारा विश्वास जब पूर्ण होता है तो महादेव हमारे कार्य को करता जरूर है, ये निश्चितता है, वो करता जरूर है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हंतो छंडी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी एक रस्ता। मैं मीना हाड़ा, पति श्री कल्याण सिंह हाड़ा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं, आ जाओ एक बेलपत्र लेकर। मीना हाड़ा, पति श्री कल्याण सिंह हाड़ा, कोटा राजस्थान से आए, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे पास बोलने के लिए भी शब्द नहीं और लिखने के लिए भी अक्षर नहीं। मेरी बेटी प्रगति हाड़ा सीए की तैयारी कर रही थी, लेकिन 8-10 नंबर से हर बार रह जाती थी, कई बार ऐसा हो गया उसके साथ, आखिरी में वो हार गई, टूट गई, उसने कह दिया कि अब मैं सीए का एग्जाम नहीं दूं। हमने हमारी बेटी से कहा, वो सीओर वाला महाराज कहता है कि एक बार अच्छी जम के मेहनत कर लो,
इतनी मेहनत कर लो कि आप आपकी नैया खुद पार कर लो। तब मेरी बेटी ने कहा, माँ मेहनत तो मैं हर बार कर रही हूं, पर बाबा सुने तो। हमने हमारी बेटी से कहा, सीहोर में कांवड़ भरा रही है, चल तू मेरे साथ, वहां की कांवड़ भरेंगे। गुरुदेव, हम पिछले वर्ष कांवड़ यात्रा में आए, सीहोर से सीवन नदी का जल लेकर कुबेरेश्वर धाम तक पैदल चलकर आए, और बेटी भी बाबा की कृपा से जल चढ़ाई। और मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, बेटी ने धाम में बाबा से प्रार्थना कर ली कि अब की बार इतनी मेहनत करूंगी, सफलता तुझे देना, अब तेरे पर भरोसा कर कर जा रही हूँ। और जब बेटी का एग्जाम आया, एग्जाम होने के बाद में बेटी ने वही बेलपत्र शहद का प्रयोग किया, और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी सीए बन गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। ये शिव तत्व है, एक भरोसा हमारे भीतर जागृत होना चाहिए, एक विश्वास हमारे भीतर जागृत होना चाहिए। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर होगा जब आप अपने कर्म के प्रति लगन लगाकर कार्य करेंगे, एक राह पर चलेंगे तो मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। एक राह तक चलना पड़ेगा। एक बहन पत्र लिख रही है, देखो, संगीता राठौर, पति शांतिलाल राठौर, जिला साजापुर, काला पीपल, मंडी, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ आप ही हैं, आइए बेलपत्र लेकर चलो। मैं संगीता राठौर, पति शांतिलाल राठौर, जिला साजापुर, काला पीपल, मंडी, मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, 15 साल हो गए किराए के मकान में रहते रहते, इतना धन भी हमारे पास में नहीं कि हम मकान खरीद सके। तब एक परिचित ने कहा कि तू बहुत भटकली, अब एक काम कर कि शिवजी के मंदिर जाना चालू कर। हम लोग शंकर के मंदिर उस समय तक जाते नहीं थे गुरुदेव, सोमवार को चले गए या शिवरात्रि को चले गए या सावन में चले गए, बहुत बड़ी बात। उन माता के कहने पर हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, और हमने भगवान का मंदिर नहीं छोड़ा। कितना भी संघर्ष आया जिंदगी में, पर मंदिर नहीं छोड़ा। और बाबा, आप कहते हो ना, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, और शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। 15 साल जो दुख की घड़ी निकाली बाबा, वो दुख की घड़ी मेरे बाबा ने एक लोटे जल से ताल दी। हम आपको नजदीक में रहने के बाद भी कभी मिले नहीं थे, और बाबा कथा सुनी और आप के कहने पर एक लोटा जल ऐसा चढ़ाया कि बाबा ने आज मुझे खुद के मकान में लाकर विराजमान कर दिया, और काम धंधा भी एक नंबर का कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। एक लाइन अच्छी लिखी है, ओ शंभु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ी जावी, भोले शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर। Wood is one of the most versatile materials. उस पर किया भरोसा, उस पर किया गया विश्वास, उस पर करी गई दृढ़ता खाली नहीं जाने देती। अगर गुरु ने मार्ग बता दिया कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल है,
मतलब अपने दिल में पक्का कर लो कि अब वो जल मेरी समस्या हल जरूर करेगा। गुरु ने कह दिया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने और हम तो फिर कहेंगे, आप हमारी बात पर भरोसा ना करो तो मत करो। शिव महापुराण को एक बार अपने घर में लाकर पढ़ कर देखो, विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, हजारों हजारों यज्ञ का फल। जरूरी नहीं कि आप हमारी बात पर भरोसा करो, आप तो घर पर जाकर पढ़ो कि सीवर वाला महाराज जो बोल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है कि नहीं है। दुनिया कितना भी विरोध करे पर व्यास पीठ से जो शब्द कहे जाते हैं वो सच्चे कहे जाते हैं और सत्य पर आधारित किए जाते हैं। भले उसका कितना भी विरोध हो जाए, कितना भी उसके पीछे विवाद छिड़ जाए, पर वो सत्य वचन सत्य ही रहते हैं, उसको कोई नकार नहीं सकता। महाराज शिव कथा कर एक गुरु यदि आपको कह दे, एक रास्ता बता दिया, इंदौर यहां से सीधे जाना है, सीधे जाओ, क्यों भटक रहे हो, क्यों किसी से पूछना। पर हमारी आदत हो गई है, हम जब तक दो चार जगह पूछेंगे नहीं, साहब मैं बड़ी दुखी हूँ, साहब मैं कष्ट में हूँ, साहब मेरे को ऐसा हो गया, मेरे को वैसा हो गया, क्या करूँ, उन्होंने ये बता दिया, उन्होंने वो बता दिया, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया, सब जगह पर कुछ ना कुछ बताते रहे, हर जगह पर कुछ ना कुछ बोलते रहे। हमने सब कुछ करके देखा, मान लो हमने सब कुछ कर देख लिया तो आखिरी में शंकर का द्वार पकड़ लो, अंतिम में भगवान शिव की चौखट पकड़ लो। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर के 5 मुख 15 नेत्र हैं, भगवान शिव को हम लोग आरती में स्मरण करते हैं, पंचानंद स्वामी पंचानंद हंसासन करुणा हंसासन ऋष एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे भोले पंचानंद राजे। मेरे शिव के 5 मुख 15 आँख, प्रभु पंचानंद राजे हंसासन करुणासन हंसासन करुणासन। ओम हर हर हर। अब शंकर भगवान के नेत्र और नेत्र जरा विचार करिएगा कि तीसरा नेत्र शिव का खुलता है तो काम जल जाता, तीसरा नेत्र खुले जो जल जाए वो काम है, तीसरा नेत्र खुले जो जल जाए वो काम है, और तीसरा नेत्र खुले जो रह जाए वो राम है। तीसरा नेत्र खुले जो जल जाए
वो काम है, और तीसरा नेत्र खुले और जो रह जाए वो राम है। राम कभी समाप्त नहीं होता, मेरा शिव कभी समाप्त नहीं होता। भीतर का जो काम है, भीतर का जो अहम है, भीतर की जो अहंकारिता है, भीतर का जो लोभ है, भीतर की जो तृष्णा है, भीतर की जो वासना है, भीतर की जो आसक्ति है, वो समाप्त हो जाती है। आसक्ति समाप्त, जला वो काम था, रह गया वो राम है। First Cry Momofall sales is here. Moms are shopping like crazy. My mom got me 10 new t-shirts. That's nothing. My mom got me 8 dresses with matching hairbands. I got 12 shoes and 5 for my bro. I have got 15 blends, yo. First Cry Momofall sales is here. Fast now, shop now. I got 100 shoes. Kuch bhi. My stylist. Get expert styling tips to complete your look only on Myntra, My Stylist. Explore now. जरा विचार करिएगा। शंकर भगवान में बहुत सारे गुण हैं, बहुत गुण, ढेरों गुण भरे मेरे भोलेनाथ में, उसकी गिनती नहीं है, अनगिनत। उन गुणों की कोई गिनती नहीं है, इतने मेरे शंकर भगवान में गुण भरे हुए, इतने गुण। कोई दूसरे देव हो ना तो उनके गुणों की गिनती करी जा सकती है। इन्होंने ये करा, इन्होंने ये गुण धारण करा, इन्होंने ये गुण धारण करा। शंकर भगवान के अनगिनत गुण हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, पर उसमें से जो 5 गुण हैं वो श्रेष्ठ है। और उन 5 गुणों को जो शंकर का भक्त अपने अंदर धारण कर लेता है तो वो साधारण नहीं रहता। समझ लेना, शिव का कोई भक्त शंकर भगवान के 26 गुणों में से, मूल में से 5 गुण श्रेष्ठ अपने अंदर धारण कर लेता है तो समझ लेना कि शिव का एक अंश उसके अंदर विराजमान हो गया, वो शंकर का एक स्वरूप ही हो जाए। एक लोटा जल चढ़ाने वाला शंकर के मंदिर जाने वाली मेरी बहन, शंकर के मंदिर जाने वाला मेरा जीजा, शंकर के मंदिर जाने वाली मेरी बेटी, शंकर के मंदिर जाने वाले मेरे बेटा, शंकर के मंदिर जाने वाले मेरे बेटा बेटियां, मेरी माता, मेरे भाई, मेरे बंधु जो शिव के मंदिर जा रहे हैं, उनके अंदर ये 5 गुण के अगर दर्शन हो जाए, ये 5 गुण के लक्षण तुम्हें नजर आ जाए तो समझ लेना कि शंकर इनके अंदर धीरे धीरे प्रवेश कर गया। 5 गुण शंकर भगवान, गुण तो बहुत हैं पर उसमें से 5 गुण छांटे हैं जो भगवान शंकर के भक्त के अंदर धीरे धीरे आते चले जाते हैं। पहला गुण है शांत, पहला गुण है शांत, शांत रहना। घर में विवाद भी हो रहा है ना तो भी थोड़ा शांति से स्मरण करा के, कोई बात नहीं बेटा हो गया ना, बात खत्म करो। ए बेटा बहू ने बोल दिया ना, बात खत्म करो। बहू बेटे ने बोल दिया ना, बेटा बात खत्म करो, समाप्त करो बात को। पहला गुण जल चढ़ाने वाले को, अगर शंकर की भक्ति करने वाले के पास ये 5 गुण का दर्शन हो जाए तो समझ लेना कहीं शिव की इस पे कृपा हो गई। पहला गुण है शांत रहना। हमने देखा है पहले के समय में जब शिव महापुराण की कथा लोग नहीं सुनते थे, उसके पहले जरा देखना घर में कितना विवाद होता था, पर धीरे धीरे 2 बजे से 5 बजे, 1 बजे से 4 बजे तक लोग जब टीवी के सामने कथा सुनते हैं तब एकदम मौन और शांत हो जाते हैं, विवाद को पीछे हटाने का प्रयास करते हैं। पहले तो पानी की बाल्टी नल पे लगाने पर पानी की बाल्टी कुएं पर भरने पर लड़ाई हो जाती थी, आज के समय में वो लड़ाइयां बंद हो गई क्योंकि लोग शांत हो गए, सहज हो गए, शांत सरल है। दूसरा है समदर्शी, समदर्शी। शिव का जो भक्त होता है ना, शंकर भगवान का जो गुण है, 5 गुण जो हमने छाटे हैं भगवान शंकर के, गुण तो बहुत हैं
पर उसमें से जो छाटा गया दूसरे नंबर का है समदर्शी। मेरे ओघड़दानी समदर्शी हैं। समदर्शी से मतलब है कि जब मंथन में विष निकला, विष और अमृत बाद में निकला, तो पार्वती जी ने कहा कि ये विष एक काम करो, इन इन जीव जंतुओं को दे दो और अमृत देवताओं को दे दो, आप ले लो, ये किसी जीवों को दे दो। शंकर भगवान ने कहा नहीं, विष मैं पी जाता हूँ और अमृत चाहे जानवर हो, जीव हो, पशु हो, पक्षी हो, सबके लिए छोड़ देता हूँ। समदर्शिता। एक समदर्शिता मेरे शंकर भगवान की दृष्टि है। कुबेर ने एक बार भोजन भंडारा रख दिया, कुबेर ने एक बार अपने घर में बहुत बड़ा आयोजन रख दिया और कुबेर ने सबको निमंत्रण दिया, सबको निमंत्रण। अब कुबेर के यहां पर जब इतना धन है, इतना वैभव है, इतनी संपदा है, इतनी सत्ता है, इतना इतना वैभव कुबेर का है कि जितने भी देवताओं को धन चाहिए तो वो कुबेर के पास जाते हैं, जितना वैभव चाहिए तो कुबेर के पास जाते हैं, जितनी संपदा होती है तो कुबेर के पास जाते हैं, तो उस कुबेर के यहाँ जाने के लिए कौन मना करेगा? कुबेर के यहाँ जाने को कौन मना करेगा? सारे देवताओं ने तैयारी कर ली कि हमें कुबेर के यहाँ जाना, सब कुबेर के यहाँ जाने लगे। देवऋषि नारद को लगा कि कुबेर ने सबको बुलाया, भगवान शिव को भी निमंत्रण दिया, शंकर भगवान को भी निमंत्रण दिया, पर कुबेर के यहाँ शिव आखिर पहुंचे नहीं, शंकर नहीं। तब उस जगह पर नारद जी ने कुबेर से पूछा, क्या तुमने शिव को निमंत्रण नहीं दिया? शिव को निमंत्रण दिया था। मैं जब शंकर भगवान को निमंत्रण देने गया तो शंकर भगवान ने कहा मैं अपना सिंहासन छोड़कर नहीं जाता। शंकर भगवान कहते हैं मैं अपना धाम छोड़कर नहीं जाता। शंकर भगवान कहते हैं मैं अपना लोक छोड़कर नहीं जाता। इसलिए शंकर भगवान ने कह दिया कि मैं अपने बेटे गणेश जी को भोजन करने भेज दूंगा, मैं अपने पुत्र गणेश को भोजन करने भेजूंगा। तो मैं कुबेर, मेरे यहाँ सारे देवता आ रहे हैं तो शंकर भगवान नहीं आएंगे तो क्या हुआ? और उनने कहा गणेश को भेज देंगे, ऐसे छोटे से गणेश को तो मैं कहीं पे भी बिठा कर भोजन करा दूंगा, उसमें मेरा क्या जा। कुबेर ने जब अहम के शब्द कहे, कुबेर ने जब अहंकार की वाणी बोली, तब भगवान नारद जी ने कहा अब तुम गणेश जी को भोजन ही करा लो। गणेश जी भोजन करने बैठे, कुबेर के भंडार में जितना अन्न था वो पूरा समाप्त कर दिया गणेश जी ने, पूरा अन्न। कुबेर घबरा गए, ये अन्न समाप्त हो गया, मैं क्या करूं? तब नारद जी के कहने पर शिव के पास गए और शंकर जी से प्रार्थना कर दुर्वा ला कर गणेश जी को प्रदान कर, दुर्वा ला कर। समदर्शिता। शंकर भगवान का जो हमने गुणों में से पांच गुण लिया, समदर्शिता। मेरे शंकर भगवान ने क्या, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं। मेरे शंकर भगवान ने क्या, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े, उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े, उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। करोड़पति भी है तो मेरे महाकाल राजा के चरणों में झुकता है, और गरीब बड़ा भी है तो मेरे महाकाल राजा के चरणों में झुकता है। कोई धनपति होगा अपने घर का, पर मेरे महाकाल के चरणों में वो उसका मस्तक हमेशा झुका रहता है। कोई गरीब भी है तो मेरे महाकाल के चरणों में झुकता रहता है। बोलबम का नारा है, गरीब भी है अमीर भी है। शंकर देखो, बहुत सारे देवताओं को लोगों ने बांट लिया। कोई कहता है कि नारायण अमीरों के देवता हो गए, कोई ने कह दिया देवी जी इनकी देवता हो गई, कोई ने कह दिया ठाकुर जी श्री जी बाबा इनके देवता हो गए, कोई ने कह दिया दत्त भगवान इनके देवता हो गए, कोई ने कह दिया ये भगवान उनके देवता हो गए, कोई ने कह दिया वो भगवान उनके देवता हो गए। केवल एक बचते हैं तो भोलेनाथ बचते हैं। तो किसी ने कहा ये शंकर जी किसके देवता हैं, तो किसी ने कहा शंकर जी किसके देव हैं, तो भगवान शंकर तो बैठे रह गए। देव ऋषि नारद ने कह दिया ये देव देवों के भी देव महादेव हैं, सबके देव हैं, सबके।
ये देव महादेव हैं, सबके देव हैं, गरीब अमीर। और आप लोग कभी अंदाजा लगाएं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में, या हमारे इधर मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में, या गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में, या झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में जाकर देखिए, आदिवासी क्षेत्र में साधारण से साधारण व्यक्ति भी अगर पूजन करता है और उससे पूछा जाए तुम किसकी पूजन करते हो, तो कोई 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 महादेव का नाम बताएगा, कोई उनके कुलगुरु का नाम बताएगा, कोई उनके बाबा का नाम बताएगा, पर जिसकी भी वो पूजन करते वो शंकर का ही एक रूप है, वो शिव का एक रूप है। समदर्शी है मेरे भोले बाबा, गरीब अमीर सब उसके अपने एक जैसे मेरे भोलेनाथ जी मानते हैं, किसी को पैसे वाला नहीं मानते, किसी को गरीब नहीं मानते। शिव कथा कहती है, किसी ने भगवान भोलेनाथ जी से, नंदी ने पूछा, नंदी कहते हैं कि एक गरीब बड़ा आपके दरवाजे पर आता है, झोली पसारता है, प्रभु आप कृपा करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, नंदी तूने आज कह दिया कि कोई गरीबड़ा मेरे मंदिर में आकर झोली पसारता है। भगवान शंकर कहते हैं, नंदी सुन आज मैं तुझे समझाता हूं, 12 ज्योतिर्लिंग में, 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर, मेरे शिवालय में, मेरे मंदिर में, मेरे कैलाश पर, और मेरे शंकर भगवान कहते हैं, मेरे शिवालय में, मेरे मंदिर में, मेरे 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जब कोई व्यक्ति अपना पांव मात्र रखता है, उस समय पर गरीब नहीं रहता, वो जगत का सेठ बन जाता है। उज्जैन जाने वाले, महाकाल की भूमि पर जाने वाले, काशी में जाने वाले, सोमनाथ जाने वाले, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आने वाले, चाहे वैद्यनाथ बाबा के दरवाजे जाने वाले, चाहे केदारनाथ जी के दरवाजे पर जाने वाले, एक अंदाजा लगा कर रखना। कोई तुमसे कह दे कि ये गरीब है, कोई तुमसे कह दे ये साधारण है, नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर, शंकर के शिवालय में, या कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर जब आप आते हो, मात्र तुम्हारा पांव रखा, तुम गरीब नहीं रहते, तुम करोड़पति बन जाते। सेठ शिव को भजने वाला कभी गरीब नहीं है, गरीब तो वो है जो शंकर को त्याग कर, शिव को त्याग कर स्वयं श्रेष्ठ बनकर बैठा हुआ, स्वयं श्रेष्ठ ना। शिव जी के गुणों में से दो गुण आपने सुने, पहला गुण कौन सा जम के बोलो जरा, शांत, दूसरा समदर्शी, एक जैसा। तीसरे नंबर का गुण है शंकर भगवान का विनम्रता, विनम्रता। जितनी विनम्रता हो, जितनी नाजुकता हो, जितनी नम्रता हो, जितनी विनम्रता हो, उतनी समझ लेना कि शंकर आपके अंदर प्रवेश कर गया, शिव का तत्व आपके भीतर प्रवेश, विनम्रता। भंडारे में भोजन बनता है, अभी तो कथा हो रही है तो लाखों लोग भोजन कर रहे हैं, जब कथा नहीं होती है तब भी 20 से 25 हजार भक्त प्रतिदिन भंडारे का भोजन ग्रहण करते हैं, 20 से 25 हजार। भंडारे में जब भोजन बनता है तो जो लोग कथा सुनने के लिए या कुबेरेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए आते हैं, जल चढ़ाने आते हैं, या बाबा की कंकर शंकर पूजन करने आते हैं, या रुद्राक्ष लेने आते हैं, उनमें से कई माताएं और कई भाई रुद्राक्ष बाद में लेते हैं, पूजन बाद में करते हैं, पहले रसोई घर में जाकर सेवा करते हैं। हमने देखा है कई माताएं हीरे की चूड़ियां पहनकर भी रसोई घर में झाड़ू लगाती रहती हैं, ये उनकी विनम्रता है, ये उनकी विनम्रता है। बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो कई कई घर की सेठानियां, कई मेरी बहुएं, कई बेटियां, अच्छे अच्छे परिवार की बेटियां और बेटे भी
टेबल के पास खड़े होकर भोजन परोसते रहते हैं। आपने देखना, आप तो आयो, आप दर्शन करेंगे। आप सुबह तो भोजन प्रसाद बना था, सुबह भोजन प्रसाद पाए होंगे ना, नुक्ति मिक्सचर और कड़ी रोटी खिचड़ी। अब कई लोगों का व्रत भी है तो तुम टेंशन मत लो। बहुत सारे बाबा के भक्त हैं, आके खड़े हो जाते हैं, गुरुजी बहुत सारे शिव भक्तों का व्रत भी है एकादशी का, इनके फलार की व्यवस्था। हमने कहा बाबा सब करेगा, आप चिंता क्यों करते हो। सुबह हमने फलार नहीं बनवाया, पर शाम के कथा के बाद में तो फलार जो व्रती हैं उनको मिल ही जाएगा, उसमें क्या। पीछे के जो आयोजन हुए उसमें सुबह फरियाल बनता था, तो कई एकादशी की माताएं फरियाल सुबह करती नहीं थी, इसलिए उस फलार का समय हमने शाम का रख दिया कि जो व्रती हैं उनका फलार शाम का। भोजन वालों का भोजन बनेगा, और तुम देखो बिना पेंदी के लोटे जैसे लुढ़क मत जाओ। कई लोग ऐसे भी हैं, इन्होंने देख लिया कि भोजन तो अपन यहाँ तो फरियाल, तो ऐसा लुढ़कना नहीं है। जिसका फलार है वो फलार, जिसका भोजन है उसका भोजन, वो आराम से पेट भर के खाओ। बहुत चतुर चतुर लोग आते हैं वो शिव कृपा। खैर, अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। विनम्रता, ये तीसरा गुण मेरे शंभू का। आपके भीतर विनम्रता लिया, कोई कह दे झुक जाओ झुक जाओ, कोई कह दे प्रणाम कर लो प्रणाम कर लो, कोई कह दे ये सत्य उसको सत्य मान लो, कोई कह दे ऐसा वैसा कर लो, कोई कह दे ऐसा कर लो, हाँ भैया। उस समय पर विनम्रता आपके भीतर होना चाहिए। वो विनम्रता अगर आपके अंदर है, समझ लेना शंकर आपके अंदर प्रवेश कर गया। विनम्रता होना चाहिए। विनम्रता नहीं है तो वो सब गया। बड़े बड़े से कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आकर झाड़ू लगाते हैं, यह मत सोचना कोई साधारण व्यक्ति आता है, यह मत सोचना कि कोई गरीबड़ा आता है, यहां ढेर आते हैं ढेर। और मैं धन्यवाद दूंगा पूरे भारत की भूमि के सभी दानदाताओं को और सभी सहयोगियों को, जिन्होंने आज तक कुबेरेश्वर बाबा के भंडार के अन्न क्षेत्र को खाली नहीं होने दिया, वो भंडारा लगातार चलता रहे। गांव की माताएं आती है वो अपने साथ में 2-4 किलो गेहूं मान लाती हैं, ग्रामीण अंचल की माताएं आती हैं वो अपने साथ में 5 किलो 10 किलो गेहूं ले आती हैं। कोई आता है चावल ले आता है, कोई आता है तेल ले आता है, कोई आता है आटा ले आता है। बाबा का भंडारा आप लोग चलाते रहते हो, चलता रहता है जीवन। जरा विचार करिए कि आपका एक अन्न का कण परमात्मा की उस भक्ति में लग रहा है तो आपका जीवन भी सार्थक हो रहा है। आपका जीवन और अभी चतुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। आज मेरे नारायण अपना पूरा भार किसको दे देंगे, शंकर भगवान को, और 4 महीने के लिए नारायण शिव जी से कहकर जाएंगे अब मैं विश्राम के लिए जा रहा हूँ। शंकर भगवान भी बड़े आनंद में कह देते हैं जी प्रभु आप करो विश्राम। इसलिए लोग कहते हैं 4 महीना खूब भजन करो कीर्तन करो, क्योंकि नारायण तो कैसे भी धक्का लगा दे पर शंकर भगवान के यहाँ आड़ा टेढ़ा काम चले ही नहीं। इसलिए 4 महीना कहा जाता है भजन करो कीर्तन करो मंत्र जाप करो, भगवान का भजन करो कीर्तन करो मंत्र जाप करो नाम जाप करो, जितना बन सकता है चतुर्मास के अंतर्गत 4 महीना भगवान नारायण विश्राम कर रहे हैं। शिव जी के पास पूरा लेखा जोखा है, शंकर जी के पास लेखा जोखा है, मतलब अब तुम्हारा वीजा पास वही करेंगे, अब तुम्हारा टिकट फाइनल वही करेंगे।
चार महीना, इसलिए तुमसे कहा था बाकी के समय एक लोटा जल, सावन में दो लोटा जल। और बड़े प्रेम से, बड़े आनंद में, बड़े चकाचक होकर दो लोटा जल, बड़े भाव से अलमस्त होकर जाओ। ऐसी रोती हुई मुंह लेके मत जाना, बिल्कुल एकदम वो कहते हैं गुमशुदा तलाश केंद्र जैसा नहीं। प्रेम से वो कहते हैं ना, तेरे सिर पर भोले ना फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोले ना फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोले ना फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोले ना फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोले ना फिकर फिर क्या करना, तेरे पर भोले ना फिकर फिर क्या करना, तेरे भोले ना फिकर फिर क्या करना, मैं तो नाचूं बारंबार फिकर फिर क्या करना, मैं तो नाचूं, परेशान है भैया फिर क्यों परेशान हो भैया, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या कर, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर भोले ना फिकर
कर फिर क्या करना तेरे कर बोलेगा फिर क्या करना ओ क्या करना फिर क्या करना ओ क्या करना फिर क्या करना ओ तेरे सर पर भोले नाथ कर फिर क्या करना कर